आज हम खेत पर आए हैं और हमने बांगड़ा फिश फ्राई बनाने का सोच लिया है। तो हमने यहाँ पे बांगड़े लिए हैं, ये लगभग 1 किलो के करीब बांगड़ा है और इनको हमने अच्छे से काट के अच्छे से साफ किया है। इसके अंदर जो भी कड़वापन होता है वो सारा हमने निकाल दिया है और अच्छे से इनको 2 से 3 पानी से हमने अच्छे से वॉश किया है। और अच्छे से वॉश करने के बाद इसका जो पानी है सारा हटा दिया है और अभी हम इनको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पे अदरक लहसुन को दरदरा ही कूट लिया है, ये इसमें 1 चम्मच हम डाल देते हैं। फिर इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप जितना तीखा खाते हैं उतनी आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा धना पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद हम थोड़ा सा खट्टापन देने के लिए हमने यहाँ पे नींबू का रस यूज़ किया है, कोकम का जो रस मिलता है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमें ये मसाला सब अंदर बाहर सारी जगह पर अच्छे से कोट कर देना है। अभी ये अच्छे से कोट होने के बाद हम इनको 1 या 2 घंटे के लिए ऐसे ही मैरिनेट होने देते हैं। चावल का आटा लिया है, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके बांगड़ा को दोनों तरफ से हमने एक कोट करके तवे पर अच्छे से तेल डाल के इनको फ्राई करना है। तो दोनों तरफ से हमें अच्छे से बांगड़ा को फ्राई करना है और अच्छे से फ्राई होने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बांगड़ा फ्राई बहुत ही टेस्टी बना है और खाने का तो अभी से ही मन हो रहा है, इतना ये लाजवाब दिख रहा है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी ये बांगड़ा फिश फ्राई लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स करके बताइए और अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।